होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे और मुझे उम्मीद है कि जो मेरा चैनल है जिसका नाम है घर की कुकरी, वो आपने सब्सक्राइब भी किया होगा और आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी रिकमेंड किया होगा वो चैनल। और मुझे आपका फीडबैक भी चाहिए कि आपको मेरी डिशेस जो हैं वो कैसी लगती हैं और आप उसको ट्राई करते हैं और आपको कैसा लगता है। तो आज जो है घर की कुकरी के किचन में आज बन रहा है माश की दाल, ढाबा माश की दाल कह लें, और सिंपल रेसिपी है इसकी बिल्कुल और बहुत आसान है और इसके इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा जिसकी वजह से इसका जायका बहुत अच्छा होगा। और मेरे पास है ये, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पहले बता देती हूँ फिर उसके बाद मैं इसका जो प्रोसीजर जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास है ये माश की दाल छिलके के बगैर, सफ़ेद माश की दाल, ये मैंने ली है 1 किलो के करीब। इसके अलावा मेरे पास है ये है प्याज, तकरीबन 4 अदद दरमियानी प्याज, ये 4 अदद दरमियाने टमाटर हैं कटे हुए। और इसके अलावा ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास 1 कप के करीब जो है ऑयल है, कुकिंग ऑयल। और इसके अलावा मेरे पास ये है जो मैंने भिगो कर रखा हुआ है अपना धोने के लिए, सब्ज़ धनिया, हस्ब जायका ले लें, मैंने 1 कटी सब्ज़ धनिया लिया है क्योंकि दाल की क्वांटिटी भी मेरे पास ज़्यादा है। इसके अलावा मेरे पास जो है ये पानी है, पानी मैं लूँगी तकरीबन जैसे यूज़ के दौरान भी मैं आपको बताती रहूँगी, और इसके साथ साथ पानी जो है तकरीबन मैं ले लेती हूँ 1/2 किलो, क्योंकि दाल मेरे पास किलो है तो पानी मैंने उस हिसाब से जो है ये लिया है ताकि मेरी दाल गल भी जाए और मसाला बनाने के दौरान जो है हम पानी को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मेरे पास ये जो है ये तमाम मसाले हैं, मसालों में मेरे पास है हल्दी तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा सब्ज़ ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ मिर्च मैंने ली है मोटी वाली और तकरीबन 4 मोटी सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास है नमक हसबे ज़ायका, लाल मिर्च हसबे ज़ायका आप ले सकते हैं, मेरे पास लाल मिर्च है तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। इसके अलावा मेरे पास है काली मिर्च, काली मिर्च मैंने ली है तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा है मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून। और ये मेरे पास सूखा धनिया है कुटा हुआ, ये तकरीबन पिसा हुआ, कुटा हुआ ले सकते हैं या पिसा हुआ भी ले सकते हैं, वैसे पिसा हुआ बेस्ट है, कुटा हुआ जो है वो थोड़ा मोटा रह जाता है। तो ये पिसा हुआ मेरे पास धनिया है, ड्राई धनिया, और ये मैंने लिया है तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून। ये मेरे पास क्लोवंजी है, क्लोवंजी हसबे ज़ायका आप डालें, थोड़ी डालें, और इसमें मैंने लिया तकरीबन 1/2 टीस्पून क्लोवंजी। ये मेरे पास है दालचीनी पाउडर, दालचीनी की स्टिक्स भी आप ले सकते हैं तकरीबन 1/2 टीस्पून। 2 दरमियाने साइज़ की मेरे पास काली इलायची है, और ये तमाम इसमें मसाले जो हैं इस्तेमाल होने के लिए जा रहे हैं ढाबा माश की दाल में। और सिंपल दाल है ये माश की, बहुत ज़बरदस्ती बनेगी। तो चलें अब मैं इसका आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करती हूँ। ये ले ली है व्यूअर्स मैंने कढ़ाई, इसको मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर, और ये मेरा स्पून है। अब मैं सबसे पहले जो है इसके अंदर डालूंगी ऑयल, ऑयल तकरीबन मेरे पास है 1 कप। ऑयल जो है वो एट दी एंड दाल के अलहदा भी हो जाएगा पकने के बाद, तो आप उस वक्त भी इसको साइड पर कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फील होता है। अच्छा, इस ऑयल के अंदर जो है ये मैं डालूंगी जो प्याज मैंने काट के रखी हुई थी, ये प्याज। ये इसमें प्याज चला गया, और प्याज को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये पिंक नहीं हो जाता। अच्छा, तो व्यूअर्स ये जो प्याज है मेरी, ये पिंक हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है पक के, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मेरे पास था 4 to 5 टेबलस्पून, वो इसमें डाल दूंगी और चम्मच हिलाऊंगी और इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। साथ ही हमने ऐसा करना है कि जो हमारे मसाले थे वो तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको अब मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फ्राई करना है। अच्छा व्यूअर्स, ये अदरक लहसुन जो है मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और खुशबू भी आ रही है, मसाले भी जो हैं फ्राई हो चुके हैं, ऑयल जो है वो अलहदा हो गया। अब मैंने इस स्टेज पर इसमें डाले हैं टमाटर जो कि तकरीबन 4 दरमियाने टमाटर मैंने काट कर रखे हुए थे,
वो इसमें डालूंगी मैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और इसमें आधा कप पानी मैं और ऐड करके इसको कवर कर दूंगी ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाए और इसका मसाला ठीक तरीके से जो है वो यकजान हो जाए और कुक हो जाए और टमाटर भी जो है इसके गल जाए। थोड़ा पानी, तकरीबन हाफ कप पानी मैं डालूंगी, मिक्स करूंगी और इसको मैं कवर करके रखूंगी। चम्मच हिलाकर अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। आंच इसकी मैं दरमियानी कर दूंगी। ओके व्यूअर्स, तो अब मैं इसका ढकना जो है ये हटाने लगी हूँ जो मैं ओके व्यूअर्स, तो मैंने ये ढकना जो है अपना हटा लिया है और ये देखें ऑयल जो है ये ऊपर आ चुका है और ये जो है टमाटर भी ये बिल्कुल गल चुके होंगे। मैं इनको देखती हूँ ज़रा अगेन हिला के अच्छी तरह से, ये ऑयल ऊपर आ चुका है तो मसाला थोड़ा सा लगना शुरू हो गया। इसमें फिर थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसाला जो है ये अलहदा हो जाए और इसको आपने फिर से चम्मच हिलाना। ठीक हो गया ये। अच्छा ये जो टमाटर हैं ये गल चुके हैं अच्छी तरह से, इसको थोड़ा सा एक दफ़ा और जो है ये जो मैंने इसका पानी ऐड किया है ज़रा अच्छी तरह से पक जाए। आपका मसाला जितना अच्छा फ्राई होगा आपका जो सालन है या जो भी डिश बना रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे अगर आपका मसाला प्रॉपरली कुक होगा। मसाला प्रॉपरली कुक होगा तो मैं प्रॉपरली जो है ये कुक हो चुका है। अब इस मसाले के अंदर जो है ये मैं ऐड करूँगी जो मैंने दाल भिगो कर रखी हुई थी अपनी माश की दाल, वो इसको हम करेंगे मिक्स। साइड साइड से मिक्स करें इस तरीके से। इसमें जो काली मिर्चों का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कच्ची दाल है मेरी, कच्ची दाल को मैं इस मसाले में पकाऊंगी और पानी हम एंड में डालेंगे इसको गलाने के लिए। चूल्हा आपने बिल्कुल ऊंचा रखना है, तेज़ रखना है, तेज़ चूल्हा रख के आपने चम्मच हिलाना है। इसका पानी खुश्क होने तक आपने कच्ची दाल को इस मसाले में भूनना है। भूनने के बाद इसमें आप जो है इतना पानी ऐड करेंगे कि दाल जो है अच्छी तरह से गल जाए और अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी रिक्वायर्ड है तो वो आपको ग्रेवी भी मिल जाए। इसको आप भूनेंगे तकरीबन, मैं आपको बता देती हूँ टाइम, तकरीबन आपने इसको 10 मिनट्स तक वक्तन फवक्तन चम्मच चला चला कर इसको भूनना है। आप चम्मच चलाएंगे इसको थोड़ी देर, फिर आप जो है इसको इस तरीके से छोड़ देंगे और फिर थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाएंगे फिर छोड़ देंगे और ये काम आपने करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हम अपनी कच्ची दाल को इस मसाले में भूनेंगे। तो व्यूअर्स, इसको भूनते भूनते दाल को मुझे 10 मिनट्स जो है ये हो चुके हैं और इसका पानी जो है ये कुछ ड्राई हो चुका है और दाल ने जो है पेंदे को छोड़ दिया
यानी ये दाल जो है ये चिपक नहीं रही पेंदे के साथ, और ये जो देखें गैप किस तरह से बन गया। अच्छा, ये अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इस दाल के अंदर जो है मैं ऐड करूँगी पानी, पानी इतना ऐड करूँगी कि मेरी जो दाल है ये अच्छे तरीके से गल जाए। फिर इसको चम्मच हिला लेना है, और पानी इसमें ऐड करके मैंने इसकी जो आंच है वो मैंने कर देनी है आंच कर देनी है। पहले मेरी तेज़ आंच थी भूनते हुए, तो मैं इसकी जो तेज़ आंच है उससे मैं कर दूंगी मीडियम टू लो आंच। और ये पानी इसमें जो है ये ऐड हुआ हुआ इतना कि दाल जो है मेरी वो गल जाए। और इसको 1 किलो दाल है तो इसको गलने में जो है वो टाइम तो लगेगा, और आप इसको बीच में चेक भी कर सकते हैं, और वैसे भी आपको अंदाज़न जो है मेरा अपना जो अंदाज़ा है इसको लगेगा 20 to 25 minutes इस दाल को गलने के लिए। और अकॉर्डिंग टू द बर्तन और अकॉर्डिंग टू द आंच मैं ये कह रही हूँ 20 to 25 minutes जो है इसको लग सकते हैं, और मीडियम टू लो कर दी है और इसको मैं कर रही हूँ कवर। ओके व्यूअर्स, तो आई एम बैक, और इसका मैं ढक्कन हटाने लगी हूँ जो दाल को मैंने रखा था तकरीबन 20 to 25 minutes के लिए पानी डाल के गलने के लिए। अब मैं इसका ढक्कन हटा कर देखती हूँ कि मेरी ये जो दाल है ये किस तरह की लग रही है और इसमें ये गली कितनी है। ये पानी जो है इसका ऊपर आया हुआ है, इसको मैं मिक्स करती हूँ साइड से। आँच जो है वो मेरी मैंने देखें बिल्कुल, मैंने आंच मीडियम टू लो के दरमियान रखी हुई है, और ये आप पे डिपेंड करता है आपको दाल किस तरह से चाहिए, घुली हुई चाहिए या फिर इसके दाना जो है दाने जो हैं ये अलहदा अलहदा आपको चाहिए, जैसे कि इस दाल में आपको नज़र आ रहे होंगे इसके दाने अलहदा अलहदा हैं। और ये अच्छी सी गल भी चुकी है, स्टिल ये घुली नहीं है और इसमें दाने जो हैं ये अलहदा अलहदा हैं। तो इसको मैं इसका अब ढकना हटा कर, ये देखें ये आपको पानी नज़र आ रहा होगा इसका, अब मैं ढकना हटा कर इसको इसकी आंच जो है मीडियम टू लो से मैं थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ, मीडियम पर ले आती हूँ मैं इस आंच को, कि ये जो पानी जो मेरा बकिया रहता है दाल के अंदर ये जो है ये थोड़ा ड्राई हो जाए और इस तरह दाल हो जाए कि जितनी मुझे फाइनल फॉर्म में रिक्वायर्ड है। और इसी पानी के ड्राई होने के दौरान जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो मैंने सब्ज धनिया काट कर रखा हुआ था, ये सारा तो मैं ऐड नहीं करूँगी, लेकिन एक कटी थी मेरे पास तो मैं उसमें से 3 हिस्से जो है सब्ज धनिया। अच्छा, ये जो मेरे पास सब्ज मिर्चें थी 5, ये सब्ज मिर्चें भी जो हैं ये मैं साबुत की साबुत सब्ज मिर्चें इसी तरह इसमें डाल दूँगी, और ये मैं इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। एक दफ़ा मैं शेफ़ ज़ाकिर की जो है रेसिपी देख रही थी, मसाला फूड चैनल में बहुत देखती होती थी शादी से पहले, तो उसमें था कि उन्होंने नमकीन माश की दाल बनाई थी, तो वो मैंने जो है एक दफ़ा ट्राई की शादी के बाद, एक दफ़ा ट्राई की मैंने हस्बैंड को वो बना के खिलाई, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, लेकिन वो नमकीन दाल थी, नमक में बनी हुई थी सिर्फ, वो बहुत अच्छी रेसिपी थी। तो वो रेसिपी भी बड़ी डिफरेंट सी थी, कभी मुझे मौका मिला तो वो रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी, नमकीन माश की दाल की रेसिपी। और उसमें तो शायद मेरा ख्याल है उसमें काली मिर्च थी या नहीं थी, ये मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो मैं देखूँगी तो वो कभी ना कभी आपसे वो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, अब मैंने इसका जो है मुँह इसी तरह खुला रखना है देगची का, और मैंने इसका थोड़ा सा पानी जो है वो और ड्राई करना है ताकि ये इसकी एक फ़ाइनल सी जो है वो लुक आ जाए पानी ड्राई करके। तो इसको मैं दोबारा जो है ये ढक दूँगी तकरीबन 1 to 2 minutes के लिए, ताकि इसका जो है फ़ाइनल इसका दम हो जाए। और ये जो सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड किए और धनिया इसमें जो ऐड किया है वो 1-2 minutes दम की वजह से दाल में बहुत अच्छे से जो है वो मिक्सअप हो जाएगा और बहुत उसका फ्लेवर जो है वो इन्हांस्ड आएगा। बस इसका ये पानी थोड़ा सा हमने खुश करना। तो व्यूवर्स, ये 1 to 2 minutes जो हैं ये मेरी हांडी को हो चुके हैं माश की दाल को, इसकी फ्लेम मैं ऑफ़ करने लगी हूँ और इसको हम करेंगे डिश आउट। ये मैंने ढक्कन हटा दिया, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और
दाल देखें कितनी खूबसूरत जो है ये नज़र आ रही है, इसका कलर कितना अच्छा है और दाने कितने अलग-अलग अलग-अलग हैं, और ये गल बहुत अच्छी गली भी है ये, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। काली मिर्च ने और सिनेमन पाउडर ने जो इसका जायका बनाया है दैट इज़ ऑसम, बहुत अच्छा जायका है इसका। ये मेरे पास जो है ये डोंगा है जिसमें मैं दाल को सर्व करूँगी, दाल मैं इसमें निकाल लूँगी। दाल मैं अपनी जो सर्विंग बोल है उसके अंदर निकाल लूँगी। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार ढाबा माश दाल जो है ये तैयार हुई है। देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है, तो खाने में कितनी तो व्यूवर्स, दाल जो है हमारी बिल्कुल तैयार है, ढाबा माश दाल या सिंपल माश दाल बहुत ज़बरदस्ती बनी है, और इसमें काली मिर्ची और सिनेमन का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और सब्ज़ मिर्चें जो इसमें मैंने मोटी वाली सब्ज़ मिर्चें डाली हैं उससे भी इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आया है, और होपफुली आप लोग इस डिश को ज़रूर ट्राई करेंगे। और प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव्स को ज़रूर रिकमेंड कीजिए, और जो डिशेज़ आप सीखना चाहते हैं मुझसे वो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और थैंक यू सो मच कि आपने आज की वीडियो जो है ये मेरी देखी, और मुझे उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जल्द ही, और चैनल सब्सक्राइब करना मेरा मत भूलिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, अप टिल द नेक्स्ट वीडियो।